नमस्कार दोस्तों, प्लैनेट भोजपुरी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार। और जिस तरह मेरी फिल्मों को देखते रहते हैं, उसी तरह आगे भी ये सिलसिला बिल्कुल कायम रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, जारी रहना चाहिए। तभी हम लोग फिल्में अच्छी बना पाएंगे और तभी अच्छी फिल्में बनाने के लिए सोचेंगे। रंगीला एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर, इनफैक्ट जब ये प्लानिंग हुआ था तो पहले मुझे था कि मैं ही इसको डायरेक्ट करूँगा, बनाऊँगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों के दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था। स्पेशली चिंटू ने सोचा था कि इस तरह की कोई फिल्म हो जिसको हम लोग बनाते हैं अपनी कंपनी से, चूँकि उसमें खर्चे बहुत हैं। आप देखेंगे अगर प्रोमो वगैरह तो काफ़ी लाविश और खर्चीला है। तो मैंने जितनी फिल्में जब बाहर की अपनी फिल्म, इसलिए मुझे लोग बोलते हैं कि आप अपनी बनाते हैं तो बहुत अच्छी होती हैं, बाहर की फिल्में बनाते हैं तो थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं हो पाती हैं। तो उसका जो इन दौरान थोड़ी नहीं अच्छी हो पाती, उसका सबसे बड़ा कारण है बजट का। और इसीलिए मैंने लगभग छोड़ ही दिया कि मैं बाहर के किसी प्रोड्यूसर के लिए फिल्म डायरेक्ट करूँ। मैंने मतलब बिल्कुल मन बना लिया अंटिल अनलेस कि कोई ऐसा आदमी आ जाए, कोई मेरा बहुत करीबी हो, मेरा मित्र हो या कोई नया भी हो, और जिसको लगे कि नहीं राजकुमार जी मेरी फ़िल्म करें, और मुझे लगे कि अगर मैं नहीं फिल्म करूँगा तो शायद ये फिल्म अच्छी नहीं बन सकती उसके लिए, तो वो प्रोजेक्ट भले ही मैं कर लूँ, अदरवाइज़ मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं किसी भी बाहर के प्रोड्यूसर के साथ डायरेक्ट एज डायरेक्टर काम करने का। क्योंकि हमारे दर्शकों ने हमारे बैनर को, साईदी फिल्म्स को खुद ही इतना स्ट्रांग बनाया है, और मैंने अब तक 12 से 14 फिल्में प्रोड्यूस की हैं, और मेरा सिलसिला जो है वो मेरे दर्शकों की वजह से आगे भी बना रहेगा, इनका प्यार दुलार और आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो मेरे बैनर के तले बहुत सारी फिल्में बनेंगी। और तभी उसी कड़ी में हमने सोचा था कि रंगीला जो है वो हम अपने बैनर से बनाएंगे, खुद प्रोड्यूस डायरेक्ट करेंगे। लेकिन एक दिन अचानक दुर्गा जी से बात हुई, दुर्गा प्रसाद जी से, तो उन्होंने कहा कि एक फ़िल्म करनी है हमको। तो हमने कहा कि चिंटू को लेकर, तो हमने कहा कि दादा करते हैं लेकिन सब्जेक्ट क्या रहेगा। तो डायरेक्टर का नाम लिया उन्होंने, रवि सिन्हा जी का, और रवि जी काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी हैं, तो मुझे लगा करते हैं। तो हमने उनको सजेस्ट किया कि आप रंगीला बनाइए। तो रंगीला बनाने की बात आई तो चूंकि दुर्गा प्रसाद जी का कंपनी बहुत बड़ा है, आदिशक्ति एंटरटेनमेंट, और जितनी मैंने भी फिल्में बड़ी बनाई हैं उनमें उनका हमेशा योगदान रहा है, साथ रहा है, सपोर्ट रहा है, तो उसी कड़ी में मुझे लगा कि क्यों ना रंगीला जो है वो दुर्गा जी के साथ ही बनाई जाए। और उनको हमने सब्जेक्ट के बारे में मोटा मोटी आइडिया दिया, और उन्होंने कहा कि अरे यार तो बहुत अच्छी कहानी, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, तो हम लोग इस पर काम करते हैं। उस कड़ी में रंगीला बन के आई। अगर आपको याद हो तो उसमें एक शॉट है जब चिंटू यम बनते हैं, यमराज बनते हैं, और ऐसे गले पर वो गदा लेके जब चलता है, फैंटास्टिक लुक, और जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत कमाल है। मुझे लगता कोई एक्टर दूसरा इस वक्त जो है वो उस बॉडी लैंग्वेज के साथ भोजपुरी के लिए कोई प्रिपेयर है, ऐसा कोई मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है। हमार नाम रंगीला बालक शक्ल से जितना मासूम लगता, अंदर से उतने दुर्दांत अपराधी। हमारा दिमाग में हर भगवान की गलती के लिस्ट बा, अगर हमरा के नरक भेजे के बाद तो हमरा से पहले उनकरा के नरक भेजा। बाबूजी कहलन कि तू नालायक, दोस्त कहलन कि तू नायक, और दुश्मन कहलन कि तू खलनायक। फिल्म बहुत अच्छी है, म्यूजिक पार्ट बहुत अच्छा है उसका, गाना बहुत बड़ा क्लिक किया है, सुखो लठवा के करे दाना गिल, ईरानी बड़ा दिल करे था, वो गाना बहुत चल रहा है। गोर बदनवा देख के मनवा लगे लगे फील करता, लाली होठवा के कह दे रे दतु गिल, ईरानी बड़ा दिल करता। रितेश गाया भी बहुत अच्छा है। मैं चैनल के माध्यम से आप सबसे अपील भी करता हूँ कि रंगीला के गाने ज़रूर सुने। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो गोदवाला गोदनवा, तो मैं इस वक्त तो प्रिपेयर नहीं हूँ कि मैं गा पाऊँ, लेकिन वो गाना बहुत अच्छा है। गोदवाला हो गोदनवा, गोदवाला हो गोदनवा, गोदवाला हो गोदनवा, गोदवाला हो गोदनवा, गोदवाला न गो, ऐसे कुछ है। वो बहुत अच्छा गाना है, और उसको उसमें बहुत सी लाइन है कि वो गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मैं मुरलिया मुरलीधर कन्हैया की, जहां काम चलता नहीं था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहाँ
मुरली की मधुर तानों से। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और इस तरह से वो गाने का जो शुरुआत होता है वो है रंगीला, जिस तरह उसका नाम है, एक रंगीन मिजाज का लड़का। रिवेंज बहुत ज़ोरदार है, एक अलग लोक अलग दुनिया की कहानी है। हमेशा इस बात की शिकायत रहती है कि भोजपुरी में डिफरेंट फिल्में नहीं बनती हैं, वही ठाकुर और वही इस तरह के, वही रिवेंज, वही इस तरह की फिल्मों का। तो ये वाकई डिफरेंट फिल्म है और आप लोग ज़रूर जाएं देखें, मई में रिलीज़ हो रही फिल्म। फिल्म आपको बहुत भरपूर मनोरंजन देगी और मेरा म्यूज़िक है इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फिल्म को लेकर, और आप लोग भी इसको देखें। Planet Bhojpuri।